हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि पैकेज नेम को कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पैकेज नेम चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऐप को ओपन कर लेना है। तो ये हमारा ऐप है, इस ऐप का पैकेज नेम हम चेंज करना चाहते हैं। तो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है, एंड्रॉयड स्टूडियो मैंने इस प्रोजेक्ट को ओपन किया और ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो गया है। ये हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है और एंड्रॉयड एप्लीकेशन में पैकेज नेम चेंज करना हम आपको दिखाएंगे। तो पैकेज नेम चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होकर आता है। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट ऊपर आप देख सकते हैं सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट को ना करके हमें एंड्रॉयड करना है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एंड्रॉयड कर देंगे। कर लेने के बाद यहाँ पे हमारा पैकेज नेम है कुछ इस टाइप का, जावा कॉम ऐप एंड एंड्रॉयड न्यूज ऐप, कुछ इस टाइप का यहाँ पर शो होकर आ रहा है। 3 डॉट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, कुछ एक ही लाइन में है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस कुछ इस टाइप का होना चाहिए। तो हमारा जो है 3 लाइन में है, ठीक है। तो इसको आपको चेंज करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, रिफैक्टर जाएंगे या रीनेम पर क्लिक कर देंगे। और जो भी आप पैकेज नेम रखना चाहते हैं तो सिंपल सा पैकेज नेम आप अपना रख लीजिए। यूनिक पैकेज नेम होना चाहिए। यूनिक पैकेज नेम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप प्ले स्टोर पे कोई भी ऐप चेक कर लेंगे और वहाँ से पैकेज नेम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो आपका जो पैकेज नेम होगा यहाँ से आप देख सकते हैं चेंज हो गया। नीचे रिफ्लेक्टर का अगर आपको डू रिफ्लेक्टर का ऑप्शन अगर आता है तो आपको डू रिफ्लेक्टर कर देना है। नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं ऊपर अभी चेंज नहीं हुआ है, बट अभी कुछ सेकेंड के बाद वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो वहाँ से आपको चेंज हो जाने के बाद यहाँ पे कॉम है, कॉम को भी चेंज कर सकते हैं। ऐप है, उस पर भी राइट क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो है लास्ट वाला भी मैंने चेंज किया, ठीक है। ऐसे ही आप ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज़ फाइल है, आपको उसको नहीं करना है, जैसा है उसको रहने दीजिए। आप देख सकते हैं रॉक फीड है, यहाँ पर चेंज हो गया जो मैंने अभी चेंज किया। चेंज हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ रेड कलर का आएगा, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप वहाँ पे अब सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बिल डॉट ग्रेडर में आएंगे और यहाँ पे जैसा कि जो आपने पैकेज ने वहाँ पे चेंज किया वही आपको यहाँ पे नीचे भी रख लेना है एप्लीकेशंस आईडी के अंदर, ओके। और यहाँ पे कंपाइल एसडीके वर्जन देख सकते हैं 33 है, एंड जो कि मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो को लेटेस्ट में यहाँ पे मैंने अपडेट किया हुआ है। तो अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने इंस्टॉल किया है तो आपका लेटेस्ट वर्जन ऑलरेडी रहेगा, सो उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे और करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे, जिससे कि हमने जो अभी चेंजिंग किया है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो सिंक नाउ कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा पैकेज नेम चेंज हो जाएगा। अगर आप एक कोई भी स्टार्टिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई भी सिंपल सा प्रोजेक्ट लिए हैं, तो उसमें भी आपको यही प्रोसेस करना होता है, पैकेज नेम आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। हो जाने के बाद हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर फायरबेस लगा हुआ है। फायरबेस में जो कि JSON फाइल होती है, और जो JSON फाइल होता है उसका एक पार्टिकुलर पैकेज नेम के साथ ही JSON जनरेट होता है। तो यहाँ पे जैसे ही पैकेज नेम चेंज करते हैं तो उसका जो JSON होता है उसको भी हमें चेंज करना पड़ता है इसी पैकेज नेम के साथ, ओके। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट में जाएंगे, ऐप के अंदर जाएंगे, इसको हम एक बार एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर हमारा मिलेगा गूगल सर्विस .json, ये हमारा मेली फायरबेस से जनरेट होता है। तो कैसे जनरेट करना है हम आपको अलग से वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, फायरबेस का एक अलग सेपरेट वीडियो है, उसको आप देख करके गूगल सर्विस .json का फाइल आप जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल ये ऑप्शनल है, आपका प्रोजेक्ट में अगर नहीं है सारी चीज़ें तो आपको नहीं करना है कुछ भी। तो मेरा एक अलग प्रोजेक्ट है और इसमें मैंने बनाया हुआ है अपना JSON फाइल, इसको हम वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट पैकेज नेम को चेंज करते हैं और चेंज हो जाने के बाद वो बोलते हैं कि उनका एरर आ रहा है। तो एरर इसलिए आता है क्योंकि उनमें फायरबेस भी अगर यूज हुआ है और JSON लगा है, तो JSON मेनली पार्टिकुलर पैकेज नेम के साथ ही JSON क्रिएट किया जाता है। तो आपको सारी चीज़ें चेंज प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज़ें चेंज करनी होंगी, तभी जा करके ये वर्क करता है कोई भी प्रोजेक्ट होता है। तो अगर फायरबेस नहीं लगा है तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर चेंज करेंगे तो वहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये सिंपल सा स्टेप्स है चेंज करने के लिए। चेंज हो जाने के बाद अब यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने वर्चुअल डिवाइस में जाएंगे, वर्चुअल डिवाइस यानी कि इमुलेटर। यहाँ पे इमुलेटर को कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैंने अलग से बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं वीडियो को। और कर लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कुछ इशू आ रहा है यहाँ पर, एंड्रॉयड ग्रेडल प्लगइन रिक्वायर्ड जावा 11। तो हमारा जो ये पार्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसमें हमें जावा 11 चाहिए, तो इसको भी हम थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट में जावा 8 लगता है, कुछ प्रोजेक्ट में जावा 11 लगता है। तो मैंने दोनों डाउनलोड किया हुआ है, जावा 8 भी जावा 11 भी। तो यहाँ पे हम जावा 11 को इस प्रोजेक्ट के लिए सेटअप करेंगे।
एसटीके लोकेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। जेडीके लोकेशन वॉज मूव टू, यहाँ पे ग्रेडल सेटिंग्स है। सिंपल सा ग्रेडल सेटिंग पे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ग्रेडल सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा जो जेडीके है, जेडीके को थोड़ा सेलेक्ट कर और सेट कर लेते हैं अपने जावा 11 को। देख सकते हैं करेंट वर्जन में 1.8 है, यानी जावा 8 है। हमें 11 चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, तो मैंने जावा 11 को भी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आप जावा 8 एंड जावा 11 दोनों आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया किसी प्रोजेक्ट में आपको जावा 8 लगता है, जावा 11 तो आपको दोनों रहना चाहिए आपके प्रोजेक्ट के साथ साथ। तो हम फिर से इस प्रोजेक्ट को एक बार रन करा के देखते हैं। तो हमारा जावा 11 इस प्रोजेक्ट के साथ सेटअप हो चुका है। तो जावा 8 एंड जावा 11 कैसे डाउनलोड इंस्टॉल करना है, मैंने अलग वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है, या फिर वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। उसको देख करके आप इजीली डाउनलोड इंस्टॉल कर लेंगे। अगर कोई इशू आता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर कोई भी एप्लीकेशन बनवाना हो तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्ड सक्सेसफुली हो चुका है, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है जावा 11 के साथ प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। इस तरह से आपका कोई भी इशू आता है तो आप सिंपल सा उसको गूगल पे सर्च कीजिए। स्टैक ओवरफ्लो का वेबसाइट है, आप वहाँ से भी आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो फिलहाल हमारा जो ऐप के अंदर है, बाकी सारी जो सेटिंग्स है वो हम ऐप के अंदर अब करेंगे। तो मेनली जो हमारा वर्क था वो पैकेज नेम चेंज करना था। मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया कैसे पैकेज नेम चेंज करते हैं, और कोई इशू आता है तो कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।